good morning students in the last few videos we discussed the chapter number 5 that is retirement of existing partner now we will move to the second part of chapter 5 that is death of a partner because of chapter number 5 is combination of two topics the first is retirement of existing partner and number second is death of a partner in the last few videos, we already discussed the accounting treatment on the retirement of our existing partner. now, today we will discuss the next part of this chapter that is death of a partner. when any partner dies, so in this situation, how we will record such event in the books of accounts and how we will प्रोवाइड द ड्यू अमाउंट पेड टू द डिसीज पार्टनर यू नो कि हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियो से जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो सिचुएशन में हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे रिवेल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे इफ देर एनी जनरल रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व और एक्मलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस आर अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट हाउ वी विल डील विथ इट वी लर्न बट नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज डेथ ऑफ ए पार्टनर तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट नोट रिगार्डिंग दिस topic is that when any partner retired from the firm or when any partner dies so in this situation calculation of new profit and gaining ratio calculation of new profit sharing ratio and gaining ratio should be same as retirement of existing partner as well as the accounting treatment will be same accounting treatment of revaluation of assets and liabilities are same accounting treatment of reserve accumulated profit and losses are same and capital adjustment are same so the all the topics which are covered in the, under the topic retirement of existing partner should be same when any partner dies. Basically difference ये होता है जो हम आपको बता दे कि retirement और death में क्या difference होता है। जब कोई partner retired लेता है तो उसकी particular date pre decided होती है और generally वो at the end of the accounting period होती है। यानी जब कोई partner retire करता है तो समय at the end of the accounting period में retire करते हैं, यानी 31 मार्च march। So retirement की date को हम control कर सकते हैं। डिसाइड कर सकते हैं कि हम एक्स वाई जेट तीन पार्टनर है वाई रिटायर कर रहा है तो वाई की जो रिटायरमेंट डेट है जनरली इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन इट इज़ द एट द एड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बिकॉज ऑफ जो अकाउंटिंग पीरियड का ट्रीटमेंट होता है वो ईजी हो जाता है बट जो डेथ की डेट होती है कोई पार्टनर का कर डाइस करता है उसकी कोई डेथ नहीं होती है यू you नो know, कि डेथ की कोई डेट नहीं होती है डेथ कभी भी हो सकती है एट द एड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड भी हो सकती है थर्टी फर्स्ट मार्च को भी हो सकती है फर्स्ट जुलाई को भी हो सकती है फिफ्टींथ अगस्त को भी हो सकती है सो so, किसी भी पार्टनर की जो डेथ की डेट है वो डिसाइड नहीं होती है वो अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में हो सकती है किसी भी अकाउंटिंग ईयर के मिड में हो सकती है किसी के अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में हो सकती है सो so, पहला डिफरेंस तो ये होता है दूसरा डिफरेंस ये होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है तो बेसिकली उसको जो डी अमाउंट होता है हम उसे वो डायरेक्टली पे करते हैं डायरेक्टली पे करने का मतलब या तो उसे मैं डायरेक्टली कैश के थ्रू पे कर देते हैं या तो उसकी ड्यू अमाउंट हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं बट जब कोई पार्टनर डेथ करता है तो इस सिचुएशन में जो पार्टनर डेथ किया है उसको तो हम उसकी ड्यू अमाउंट तो पे नहीं कर सकते एक्स वाई जेड तीन पार्टनर हैं जेड डाइस कर गया जेड की डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली सो क्या हम जेड को पैसा दे सकते हैं नहीं सो सिचुएशन में जेट के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसा दिया जाता है और उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोला जाता है एग्जीक्यूटर डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर एग्जीक्यूटर मीन्स अ पर्सन हु इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज पार्टनर और जो पार्टनर डेथ करता है उसको हम लोग बोलते हैं डिसीज पार्टनर और जिस पार्टनर को डिसीज पार्टनर के का ड्यू अमाउंट पे किया था उसे हम लोग बोलते हैं डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर ओके okay. तीसरी इंपॉर्टेंट बात जैसा हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट में बताया कि द डेट ऑफ द रिटायरमेंट जनरली इट इज अराइजेज ऑन द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड थर्टी फर्स्ट मार्च बट डेथ की जो डेट होती है वो डिसाइड नहीं होती दैट्स वाई वो बिगनिंग में हो सकता है एंड में हो सकता है मिड में हो सकता है वो कभी भी हो सकता है डेथ सो सिचुएशन में जिस भी अकाउंटिंग ईयर में किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो जिस डेट को फाइनेंशियल यह स्टार्ट हुआ है से लेकर जिस डेट को उस पार्टनर की डेथ हुई है तब तक की प्रॉफिट हम उस पार्टनर के एग्जीक्यूटर को प्रोवाइड करते हैं इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड दैट्स वाई हम लोग डेथ ऑफ अ पार्टनर जो है अलग से पढ़ते हैं रिटायरमेंट और डेथ दोनों सेम बात है कि एक पार्टनर जो है वो फॉर्म को छोड़ के जा रहा है एक पार्टनर रिटायर होके जा रहा है और एक पार्टनर डेथ होके जा रहा है सो so बेसिकली अगर हम इसको इस फॉर्मेट से समझाने की कोशिश करें कि सपोज हमारी स्टार्टिंग डेट है अकाउंटिंग ईयर की फर्स्ट अप्रैल और थर्टी फर्स्ट मार्च एंडिंग डेट है तो रिटायरमेंट जो, जो जनरली होता है वो एट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड होता है यानी थर्टी मार्च तो एंड तक जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है एक्मिलेटेड प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो तो हम उसको देते ही देते हैं यू नो कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड एंड वैन एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फॉर्म सो इन दिस सिचुएशन एनी प्रॉफिट एंड लॉस दैट इज एक्मिलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अपीयर इन द बैलेंस शीट शुड बी डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर इन देयर ओल्ड एज सबको मिलता है लेकिन जब कोई पार्टनर फर्स्ट अप्रैल स्टार्टिंग डेट है और थर्टी फर्स्ट मार्च एंड डेट है यू नो दैट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर और बीच में ही मान लो थर्टी सेप्टेम्बर को ही किसी पार्टनर की डेथ हो गई सपोज सो वो फर्म में एक अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट थर्टी अप्रैल थर्टी सेप्टेम्बर तक वो वर्क कर रहा था ये माना जाता है यानी द डेट फ्रॉम द स्टार्टिंग फ्रॉम द फाइनेंशियल टिल द डेट ऑफ डेथ यानी ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर यानी सिक्स मंथ की जो प्रॉफिट है हम डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को प्रोवाइड करेंगे और कैसे प्रोवाइड करेंगे ये हम आपको आने वाले सेगमेंट में बताएंगे अभी हम लोग आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम द डेथ ऑफ अ पार्टनर सारे ट्रीटमेंट लगभग जो 99% परसेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो हम लोगों ने रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में सीखे हैं वो सेम एज इट इज़ हमें डेथ में भी करने हैं बट कुछ चीज़ें डिफरेंट हैं एवं मैं फिर से उसको समराइज कर देता हूँ द फर्स्ट वन इज द डेट ऑफ द डेथ इज नॉट ब्री डिसाइडेड सो द फ्रॉम द स्टार्टिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर और फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ डिजीज पार्टनर प्रॉफिट फॉर द दो पीरियड शुड बी प्रोवाइडेड टू द डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूट अकाउंट नंबर टू वैन एनी पार्टनर डाइज इन दिस सिचुएशन द ड्यू अमाउंट पेड टू डिस पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड टू हिज लीगल प्रेजेंटेटिव डेट इज एग्जीक्यूटर ओके सो हम लोग इस सारे इंट्रोडक्शन के साथ इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिकॉज इज अ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर और ऑलमोस्ट ये चैप्टर जो है वो रिटायरमेंट अगर अच्छे से समझ में आया है रिटायरमेंट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आई होप कि डेथ जो है वो आपके लिए एकदम ईजी कॉन्सेप्ट है कुछ एक दो कॉन्सेप्ट इसमें आपको पढ़ने हैं सो लेट स्टार्ट स्टार्ट ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द अमाउंट पेबल टू हिम एस टू बी पेड टू हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिस पार्टनर यानी हम जब भी कोई पार्टनर डेथ करता है तो उसको जितना पे अमाउंट पे किया जाता है वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पे किया जाता है उसको क्या बोला जाता है एग्जीक्यूटर सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कैलकुलेशन ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज पार्टनर यानी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि डिजीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा देना है जैसे हम रिटायरमेंट के केस में भी करते आए हैं ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म आर मेंटेन इन द सेम वे ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर जैसा मैंने आपको बताया अकाउंटिंग बुक्स वैसे ही प्रिपेयर की जाती है जैसे रिटायरमेंट में की जाती है दस द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिजीज पार्टनर एंड टाइटल टू क्लेम द फॉलोइंग अमाउंट विच आर क्रिएटेट टू हिज कैपिटल अकाउंट यानी कि हम जब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को डिसीज़ पार्टनर के बिहाव पे जो भी पेमेंट करना है उसके क्लेम की अमाउंट हम लोग इस सारे पॉइंट्स को क्रेडिट क्रेडिट मतलब प्लस करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट में सो so, हम उसको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं द फर्स्ट वन इज द अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ इस कैपिटल यानी जितना उसने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट किया है फॉर्म में वो उसको लौट आते हैं हिज शेयर ऑफ द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ गुडविल इन द फॉर्म यानी गुडविल की वैल्यू अगर फॉर्म में इंक्रीज हुई है सो so ये भी प्रोवाइड कर जिसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये भी वही सिचुएशन है जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर कोई पार्टनर फॉर्म को जाता है छोड़ के सो इन दिस सिचुएशन द कॉन्टिन्यूंग पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड अ कंपनसेशन टू हिज टू डिजीज पार्टनर इन द गेनिंग रेशियो दिस रोल इज सिंपल एंड सेम एज द रिटायरमेंट ऑफ अ एग्जिस्टिंग पार्टनर द थर्ड वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप डील अगर पार्टनरशिप डील में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात की गई होगी तो उसको भी हम प्रोवाइड करेंगे हे शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द रिवेल्यूएशन ऑफ एसेंशियल लाइबिलिटी ये भी हम लोग एज इट इज वैसे ही करते आ रहे हैं कि हाउ विल प्रोवाइड द रिवेलूशन ऑफ एसेंशियल लाइबिलिटी रिवेल्यूशन अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं और जो भी प्रॉफिट आता है उसे हम ऑल ऑल पार्टनर्स को ओल्ड एशिया में प्रोवाइड कर देते हैं हे शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिजर्व यानी अगर कोई भी बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व है अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो वो भी हम उसको प्रोवाइड करते हैं हिज शेयर ऑफ लाइफ पॉलिसी ये देखिए जो टर्म दिया हिज शेयर ऑफ लाइफ पॉलिसी ये पहले कोर्स में इंक्लूड था बट नाउ ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है सो इसको लेकर आप टेंशन मत हुएगा न्यू बुक अगर आपके पास होगी न्यू एडिशन की तो ये टॉपिक नहीं गिवन हो सो so, जनरली होता क्या था कि जो हम लोग पार्टनर की लाइफ पॉलिसी कराते थे जिसे हम बोलते हैं ना जीवन बीमा सो so, फॉर्म भी अपने पार्टनर्स की लाइफ पॉलिसी कराता है तो अगर कोई पार्टनर डेथ करता है तो उस केस में उसकी लाइफ पॉलिसी की भी अमाउंट हम प्रोवाइड करते हैं उसके डिसीज पार्टनर में बट प्रैक्टिकली वे में ये होता है बट आपको थ्योरेटिकल वे में यानी कोर्स में आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ाया जाता है सो so, उसको लेके परेशान होने की जरूरत नहीं है एंड द लास्ट पॉइंट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ यही मैं बता रहा था कि जब कोई पार्टनर डेथ करता है तो सिचुएशन में डेथ की डेट इज़ नॉट डिसाइडेड सो इन दिस सिचुएशन उसे उस पीरियड की प्रॉफिट भी मिलती है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ सो हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी प्रोवाइडेड टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर तो ये सारी अमाउंट उसकी ऐड होती है टोटल सिक्स पॉइंट है एक पॉइंट आपके कोर्स से एक्सक्लूड कर दिया गया है

अब कौन कौन से अमाउंट डिडक्ट करते हैं यू नो ड्राइंग अगर उसने कोई ड्राइंग किया हो तो वो डिडक्ट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो डिडक्ट करेंगे हिस्ट शेयर ऑफ लॉस ऑन द रिवेलेशन ऑफ एसेट्स रिवोलेशन ऑफ एसेट्स एंड लैबिलिटी पे लॉस हो गया तो उसको हम उसकी कैपिटल से डिडक्ट कर देंगे हिस्ट शेयर ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस सच एज डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वैसे ही अगर कोई एक्मलेटेड प्रॉफिट की जगह एक्मिलटेड लॉस है तो वो भी हम उसके अकाउंट से बी ए करेंगे एज वेल एज हे शेयर ऑफ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल अगर गुडविल की जो वैल्यू है वो डिडक्ट रिड्यूस हो जाती है सो so सिचुएशन में हम उसे चार्ज करते हैं ऑल ऑफ़ द एव मैंशनाइज एडजस्टमेंट आर मस्ट फर्स्ट मेड इन द डिसज पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले हम जितना भी एडजस्टमेंट होता है वो हम डिसीज़ पार्टनर कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं यानी एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट ये कैपिटल अकाउंट किसका होता है जो पार्टनर डेथ करता है दैन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल इज ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटिव अकाउंट और फिर उसका जितना ड्यू अमाउंट होता है वो हम उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं एग्जीक्यूटिव मीन्स द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर इज टाइटल्ड एट हिज डिस्क्रिप्शन टू इंटरेस्ट एट सिक्स परसेंट पर नम ऑन अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेट ऑफ दैट टू द डेट ऑफ पेमेंट और टू डेट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज अर्न बाय द फॉर्म विद द अमाउंट ड्यू टू द डिसज पार्टनर ओके okay. ये आपको पता ही है कि अगर हम इमीडिएटली पे कर देते हैं रिटायरिंग पार्टनर को या डिसीज पार्टनर को पैसा तो उस पर हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते लेकिन सपोज़ अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि हम रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर की कैपिट की ड्यू अमाउंट को तुरंत ना पे करके उसको उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे तो हम उस पर इंटरेस्ट भी पे करते थे इंटरेस्ट अगर क्वेश्चन में गिवन है तो उतने रेट से इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट दिस सो इन दिस सिचुएशन वी विल प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ सिक्स परसेंट पर नम और ये इंटरेस्ट कब से चार्ज होगा जिस डेट को उसकी डेथ हुई है तब से लेकर जिस डेट को उसका पेमेंट हो रहा है जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी रिटायरमेंट के केस में लोन uh, अकाउंट बना के समझाया था प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट उसी सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर भी बना सकते हैं एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट क्योंकि यहाँ डिसीज पार्टनर्स की कैपिटल से जितना पैसा आता है वो हम उसको एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करते हैं अगर एग्जीक्यूटर को हम तुरंत पे कर देते हैं तो पे कर देते हैं अगर नहीं तो वो उसके हम एग्जीक्यूटर वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है यानी एक तरह का लोन होता है अब इसमें से जितने भी टॉपिक्स हैं आपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल हुआ गुडविल एडजस्टमेंट हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिवल्यूशन ये तो आपके कोर्स में है ही नहीं बचा ये प्रॉफिट कैलकुलेशन प्रॉफिट ये मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश भी की थी कि सपोज एक अप्रैल को आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है और थर्टी फर्स्ट मार्च को यानी आप फाइनेंशियल फॉलो करते हैं और थर्टी सितंबर को पार्टनर की डेथ हो जाती है तो फर्स्ट अप्रैल से लेके 30 थर्टी तक की प्रॉफिट जो है वो हम डिसीज़ पार्टनर के एग्जीक्यूटर को पे करते हैं अब ये पे कैसे करते हैं हम इस प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं यही एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये सीखेंगे कि हाउ वी विल कैलकुलेट दी प्रॉफिट व्हेन एनी पार्टनर डिजीज व्हेन एनी पार्टनर डाइज एंड हाउ वी विल एडजस्ट दिस प्रॉफिट इन द इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स सो लेट डिस्कस इट

कब से कब तक का फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ इज डेथ सच प्रॉफिट मे बी असर्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग मैथड इस प्रॉफिट को हम दो मैथड से कैलकुलेट कर सकते हैं द फर्स्ट मैथड इज ऑन टाइम बेसिस एंड सेकेंड इज ऑन टर्न ओवर और सेल्स बेसिस यानी दो तरह से हम प्रॉफिट का कैलकुलेशन करते हैं वैन एनी पार्टनर डाइज द फर्स्ट मैथड इज ऑन टाइम बेसिस इन दिस मैथड वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर and the time for which he remain a partner during the current year on the basis of the last year profit we shall calculate the proportionate profit up to the date of his death then calculate deceased partner share time basis ka matlab ye hai ki hum previously year ki profit ko lete hain ya question mein agar likha ho average profit last few years ki kuch profit ko lekar hu yani ye profit jo rahega वो question में given होगा या तो हम last year की कोई profit लेंगे या last few years की average profit को calculate करेंगे और फिर उसका प्रपोशनेट निकालेंगे प्रपोशनेट में इसमें फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको एकदम क्लियरली गिवन कर देता हूँ अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि हाउ वी विल कैलकुलेट दी प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फॉर्मूला है प्रॉफिट इक्वल्स टू लास्ट ईयर प्रॉफिट और एनी प्रॉफिट विच आर गिवन इन द क्वेश्चन इनटू मंथ अपॉन ट्वेल्व इनटू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ मंथ का मतलब ये है कि जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि फर्स्ट अप्रैल से लेकर थर्टी फर्स्ट मार्च तक का आपका एक फाइनेंशियल ईयर है और थर्टी सेप्टेम्बर को डेथ कर जाता है तो उसको सिक्स मंथ की प्रॉफिट कैलकुलेट मिलेगी अब देखिए ऐसा होता क्यों है मैं बेसिकली आपको बता दूँ क्योंकि जब तक फर्म की एंडिंग नहीं होगी यानी थर्टी फर्स्ट मार्च नहीं आएगा तब तक हम प्रॉफिट की, तब तक हम फर्म की प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते यू नो वेरी वेल फर्म कैलकुलेट हिज प्रॉफिट एंड लॉस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बट व्हेन एनी पार्टनर डाइज सो इन दिस सिचुएशन कंपनी हैज नो एनी इंफॉर्मेशन अबाउट हिस्स प्रॉफिट कि हाउ ही इट विल अर्न हाउ मच प्रॉफिट ड्यूरिंग अ सिक्स मंथ यानी कंपनी को इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि एक अप्रैल से लेकर थर्टी सेप्टेम्बर तक उसने कितनी प्रॉफिट अर्न की है सो प्रॉफिट प्रोवाइड करने के लिए क्योंकि डिसीज पार्टनर की डेथ हुई है उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए अगर हम टाइमली कंपनसेशन भी नहीं देंगे तो हम इंटरेस्ट पेयर करने लगेंगे दैट्स बाई हम इमीडिएटली प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो बेस हैं टाइम का बेसिस है और सेल्स या टर्न का बेसिस है टाइम बेसिस में होता क्या है कि जनरली हम लोग प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट को लेते हैं यानी जो प्रीवियस ईयर की प्रॉफिट है उसमें हम लोग जितने महीने महिन, वो करेंट अकाउंटिंग करेंट अकाउंटिंग ईयर में फॉर्म uh, में वर्क कर रहा था यानी कि जैसे इसके अकॉर्डिंग सिक्स मंथ इंटू उसका शेयर मान लीजिए उसका शेयर है हाफ तो उसका शेयर उसको प्रोवाइड करते हैं सो so यही है, यहाँ पे यही बात कह रहा है कि इन दिस मेथड वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर एंड द टाइम फॉर विच ही रिमेन अ पार्टनर ड्यूरिंग द करंट ईयर जैसे सिक्स मंथ अब मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट वी शैल कैलकुलेट द प्रपोर्शनेट प्रोफिट अप टू द डेट ऑफ दैट दैन कैलकुलेट दो देन कैलकुलेट द डिजीज पार्टनर्स शेयर इस टॉपिक को और इजी समझने के लिए मैंने आपके सामने एक रिलस्ट्रेशन प्रजेंट किया है यू कैन सी इट द रिलस्ट्रेशन नंबर फोर्टी एट ए बी सी आर पार्टनर इन अ फॉर्म हुज बुक्स आर क्लोज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च एवरी ईयर A died on 13 June 2009 and according to the agreement, the share of profit of a deceased partner up to the date of his death is to be calculated on the basis of the average profit of the last five year. देखिए इसमें कोई partner की अगर death होती है, तो situation में उसकी जो profit provide की जाएगी, वो last five year के average profit पे base करेगी, okay? और इस question में ये भी दिया है कि A, B, C तीन partner हैं, A की death हो गई है, वो भी कब 30 जून को? अब बुक कब क्लोज होती है थर्टी फर्स्ट मार्च तो यू नो वेरी वेल अगर थर्टी फर्स्ट मार्च को बुक क्लोज होती है तो स्टार्टिंग कब होती होगी एक अप्रैल को होती होगी और उसकी डेथ कब हुई है थर्टी जून को तो यू कैन सी इट की हाउ मैनी मंथ्स ही रिमेन अ पार्टनर सो वैन वी काउंट अप्रैल मई जून ये फॉर्म में थ्री मंथ्स के लिए कॉन्टिन्यू रहा है तो so, उसको तीन महीने की प्रॉफिट मिलेगी किस बेसिस पे लास्ट फाइव ईयर की एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट कैल्कुलेटी Average profit of the last seven year. Okay, so that is a first of all, you know very well what is the formula of average profit, average profit equals to total profit divided by five because the number of year is five. So the five year key profit is 14,000 for 2005, 18,000 for 2006, 16,000 for 2007, but in 2008 it is a loss, so it will be deducted. And in 2009, that is 16,000. The total profit is 54,000.

जो भी प्रॉफिट आपने कैलकुलेट की यहाँ तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट की इंटू मंथ्स अपॉन ट्वेल्व इंटू हि शेयर यहाँ पे इसका शेयर क्या है इस क्वेश्चन में एक शेयर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो यू नो वेरी वेल कि जब क्वेश्चन में कोई शेयर नहीं दिया होता है ए बी सी का कोई शेयर नहीं है तो उसको हम क्या मानेंगे वन इज़ टू वन इज़ टू वन सो ए का शेयर क्या है वन थर्ड तो यहाँ फॉर्मूला यही लगेगा तो प्रॉफिट आया हमारा टेन थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू थ्री बाई ट्वेल्व इंटू वन बाई थ्री सो इसको कैंसिल कर दीजिए दैट इज़ नाइन हंड्रेड सो उसकी प्रॉफिट आएगी नाइन हंड्रेड okay? ओके so, सो हमने पहले स्टेप में इसमें स्टेप बाई स्टेप बताया पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला फिर उसकी थ्री uh, मंथ्स की प्रॉफिट निकाली बिकॉज ऑफ वो कब से कब तक फॉर्म में रहा है एक अप्रैल दो हजार नौ से लेकर थर्टीन जून टू थाउजेंड नाइन तक सो द थ्री मंथ्स की प्रॉफिट टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड और उसकी शेयर क्या होगा वन थर्ड दैट इज टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड इंटू वन बाई थर्ड अब द क्वेश्चन इज इज हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड देखिए इसको रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं एक सिंपल सी एंट्री मैं आपको पहले स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ उसको भी आप अपनी कॉपीज में नोट कर लीजिए प्लीज नोट डाउन इन योर कॉपी कि अगर हम किसी भी पार्टनर्स को प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं वैन एनी पार्टनर डाइज यानी वैन एनी पार्टनर डाइज सो द फर्म प्रोवाइड द प्रॉफिट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ हिज डेथ सो इन दिस सिचुएशन दे आर बेसिकली टू कंडीशन आप लाइट दो सिचुएशन होती है पहली सिचुएशन होती है वैन पी एस आर इज़ नॉट चेंज नॉट चेंज का मतलब ये होता है कि जब ओल्ड रेशियो गिवन हो बट न्यू रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती है सो इस सिचुएशन में पहले वन बाई वन मैं आपको बता दूँ आप लिख लेना नो वैन नो पी एस आर विल चेंज इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में ओल्ड रेशो तो दिया है या ओल्ड रेशो के बारे में साइलेंट जैसे वन एस टू वन एस टू वन मान लेते हैं लेकिन न्यू रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसकी जनरेंट्री होती है पी एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल जैसे यहाँ इस क्वेश्चन में ए डेथ कर रहा था ओके दूसरा सिचुएशन इसको नोट करने के बाद दूसरा सिचुएशन होता है व्हेन पीएसआर चेंज यानी न्यू पीएसआर चेंज हो जाता है इसका मतलब ये है कि जब ओल्ड रेशो दिया है वन इज टू वन इज टू वन और न्यू रेशो भी दिया है वन इस टू 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 इस टू वन कुछ भी दिया है या नया रेशो जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा पुराने रेशो से डिफरेंट हो जाएगा सो इन दिस सिचुएशन आप वैसे ही एंट्री पास करेंगे एज इट इज़ यू पासड इन द गुड विल यू नो वेरी वेल हाउ वी विल पास द दिनरेट इन द गुड विल दैट इज़ कॉन्टिन्यूंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है बट ऑडियो से आप लोग नोट कर लेना सो दे आर बेसिकली टू केसेस नंबर वन केसेस एज वैन पी एस आर इज नॉट चेंज वैन पी एस आर इज सेम एज इन द प्रीवियस सिचुएशन सो इन दिस सिचुएशन द जनेंट्री इज पी एल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग टू डिसीज पार्टनर एंड वैन

शब्दों का अंतर है बट फीलिंग वही है टू डिसीज पार्टनर और किस रेशियो में मिलेगा गेनिंग रेशियो में याद रखिएगा ओके okay? सब हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो हम लोगों ने नाइन हंड्रेड रुपीज़ की प्रॉफिट निकाल ली अब उसको जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे यू कैन सी दैट क्योंकि यहाँ पे पी एस आर चेंज नहीं इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी कि ए बी सी तीनों का रेशियो है वन इज़ टू वन इज़ टू वन और न्यू रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है सो so न्यू रेशियो भी क्या रहेगा वन इज़ टू वन सो न्यू रेशियो कोई चेंज तो हुआ नहीं यानी जो ये रेशियो है वही अगर ये भी रेशियो होता है तो सिचुएशन में हम एंट्री पास करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर दैट इज नाइन हंड्रेड नाइन हंड्रेड सो द जन एंट्री विल बी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट टू एज कैपिटल तो हमने प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अडॉप्ट किया इन द टाइम मेथड द फॉर्मूला इज प्रॉफिट इन टू मंथस अपॉन ट्वेल्व इन टू शेयर ऑफ प्रॉफिट अब दूसरी बात यह आती है कि कभी कभी यहाँ जो डेथ हुई है वो थर्टी जून को हुई है कभी कभी पंद्रह जून को हो जाएगी सेवनटीन जून को भी हो सकती है यानी डेथ की जो डेज साइड नहीं है सो so, इस सिचुएशन में आप मंथ जब मंथ में आप काउंट नहीं कर पाओगे तो वहाँ डेज़ में काउंट करोगे सो ये भी याद रखना है कि आपको जब प्रॉफिट निकालना है इन द टाइम मैथड तो यू शुड फोकस ऑन द टाइम बिकॉज टाइम कब से कब तक लेना है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग टिल द डेट ऑफ इज डेथ सो इट इट मे बी इन द डेज ओके सो इन दिस सिचुएशन यू हैव टू काउंट द डेज ओके सो आज के इस वीडियोज में हम लोगों ने बेसिकली ये डिस्कस किया कि हाउ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज डिफरेंट फ्रॉम द रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर And how we will provide the uh, compensation or amount due to the representative of deceased partner, as well as we discuss the important topic related to the this topic that is calculation profit, calculation of profit. You know very well when any partner dies. So in this situation, firm is responsible to provide a profit.

सो so, बाकी चीज़ों पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे इन केस एनी काइंड ऑफ डाउट्स और सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज़ मी इन द ऑनलाइन क्लासेस एज वेल इन द व्हाट्सअप ग्रुप आज के लिए इतना ही थैंक यू थैंक्स लॉट